ये तो आज की डेट है। ये ड्राइंग तो लड्डू की ही है। ये ड्राइंग आपके पास कैसे आई? बोलिए ना कि ये ड्राइंग कहाँ मिली आपको? अरे ये हमारे लड्डू की ड्राइंग है। हम दावे से कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें पता है ना ये उसकी ड्राइंग है। अरे अरे वो हाथ से एक लकीर भी खींचता है तो हम पहचान लेते हैं। और इसमें तो आज की डेट है, मतलब ये ड्राइंग आज ही बनाई गई है। बोलिए ना, ये लड्डू की है ना? हाँ हाँ, ये ड्राइंग लड्डू की ही है। कहाँ है हमारा लड्डू? वो मिल गया आपको? कैसा है वो भी ठीक तो है ना? मम्मी, लड्डू नहीं मिला। ये ड्राइंग हमारे गाड़ी के शीशे पर चिटकी हुई थी। हम जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो ये ड्राइंग किसी ने चिटका कर रखी थी शीशे पर। हम भी ये सोच रहे थे कि कौन कर सकता है। ये किडनैपर ने ही चिटकाई होगी। लेकिन किडनैपर ऐसा क्यों करेगा? और ऐसी ड्राइंग गाड़ी पर चिटकाने का मतलब क्या था? और एक मिनट, जब लड्डू की ड्राइंग आपको मिली थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अनामी, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। यही उलझन हमारे मन में थी तो समझ में नहीं आ रहा था तुमसे क्या बात करें। लेकिन एक बात सोचो, ये डेट देखी तुमने? आज की डेट है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लड्डू जहां पर भी है सही सलामत है ना? क्या क्या कह रही हो? अनामी के हाथ वो पेंटिंग वाला कागज लग गया? हाँ। कहीं तुम पर शक तो नहीं हुआ उसे? बात तो बहुत बिगड़ रही थी, जैसे तैसे हमने संभाल ली। हम तो पहले ही कहे थे तुमसे, ये बहुत ही बड़े खतरे का काम है। ये बात हम अब समझ रहे हैं दामू, ये किस्सा खत्म करना पड़ेगा। देखो शत्रुपा, अनामी को संभालना बहुत जरूरी है, वरना इतना बड़ा खतरा मोल लेने का क्या फायदा होगा? सही कह रही हो, हम अनामी को नहीं खो सकते। अरे दीदी, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? लड्डू के किडनैपर ने लड्डू की ड्राइंग कार पर चिपकाई थी, उसने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। हम बस वहीं देखने के लिए आए हैं। पूनम, वो सिर्फ ड्राइंग चिपकाने के लिए तो नहीं आएगा ना? उसका कुछ और मकसद है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। झूले को क्या बोलते हैं? स्विंग कहते हैं। फोन दिखा। हेलो, क्या हुआ? हमें कोई सुराग मिला और ना ही किडनैपर का फिर से फोन आया। बस एक लड्डू की ड्राइंग ही है हमारे पास। हमें समझ भी नहीं आ रहा किडनैपर के दिमाग में क्या चल रहा है। एक मिनट,
जल्दी। नरोत्तम, हमारा बेटा नरोत्तम, कुछ हो गया इसको बल्दे, घर नहीं आया वो, दो दिन हो गए बल्दे, नरोत्तम घर ही नहीं आया, हमारा बेटा घर नहीं आया है। ये नाटक बंद करो, जाओ यहाँ से। और नरोत्तम सिर्फ तुम्हारा बेटा है। पहचान चाहे कोई भी हो, खून तो वो आपका भी है ना। अच्छा चलिए, हम पत्नी की हैसियत से नहीं आए हैं, एक माँ की हैसियत से आए हैं आपके पास। हाथ जोड़ रहे हैं बल्दे, हमारे नरोत्तम को वापस ले आइए, मना मत कीजिए, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास बल्दे बाबा। आपके अलावा हमारा और कोई सहारा भी नहीं है बल्दे। अब जो कहेंगे हम करेंगे, आप कुछ भी कहेंगे हम करेंगे। अब ये देखिए, गुलाम बन के रहेंगे जिंदगी भर, आपके गुलामी करेंगे बल्दे। हमारे नरोत्तम को वापस ले आइए। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि बिना कुछ मांगे ही आपने हमेशा हमारी मन की बात सुन ली। आज हम पहली बार आपसे कुछ मांगने आए हैं, हमें निराश मत करिएगा। हमें पूरा भरोसा है कि हमारा कोई अपना ही है जिसने हमारे लड्डू को हमसे दूर किया है। हमें आपकी जरूरत है, हमें रास्ता दिखाइए। दीदी हम सॉरी से शुरू कर रहे हैं, हमने आपकी बातें सुन ली, लेकिन आपकी इजाजत हो तो कुछ कहें। बोलो, हमारी दोस्त हो, बेझिझक बोलो। दीदी पिछले कुछ दिनों में लाल महल से सिर्फ लड्डू गायब नहीं है, 3 और लोग हैं जो कि लाल महल वापस ही नहीं लौटे हैं। कौन कौन? हीरा सिंह जी, दामो जी और नरोत्तम भैया। हीरा सिंह और दामो तो लड्डू को ढूंढने के लिए गए हैं, क्यों नरोत्तम अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं अनामी? नरोत्तम कहाँ है? हमें अगर पता होता अनामी, तो हम खुद क्यों इतना परेशान होते? सीधा सीधा हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमें नरोत्तम का पता चाहिए, अभी और इसी वक्त। हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता कहाँ है, गायब है वो। इतनी देर से हमारा बेटा गायब है, हम चिल्ला चिल्ला के सब कह रहे, पर यहाँ तो किसी के दिल में दया ही नहीं है। किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा नरोत्तम कहाँ गायब है। हमारे साथ खेल खेलना बंद कीजिए आप, सवाल का जवाब चाहिए हमें। खेल तो हमारे साथ खेला जा रहा है, शायद तुम्हारे साथ भी।
माँ पर तुम्हें इतना यकीन हो रहा है ना? ये सारा खेल उसी का रचा हुआ है। नचा रही है बेटा वो हम दोनों को कठपुतली की तरह। हम दोनों की कमजोर नब्ज उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी है। बेटा इस्तेमाल कर रही है वो तुम्हारा। बस हमें और कुछ नहीं सुनना। वो कैसी है, क्या है, उनके मन में लड्डू के लिए कितना प्यार है, सब पता है हमें। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जिसे अपना मानो ना वही धोखा देते हैं अनामी। कंचे नहीं खेले हैं हमने जो आसानी से किसी के भी जाल में आ जाए। हम जो कर रहे हैं अच्छे से पता है हमें। और रही बात अपनों से धोखा खाने की, तो आपको भी हमेशा से अपना मानते आए हैं। अगर हमें कहीं से भी पता चला कि लड्डू या नरोत्तम के गायब होने के पीछे आपका हाथ है, तो जिस रास्ते से यहां लेकर आए हैं उसी रास्ते से विदा कर देंगे। भोले शंकर। हेलो, कौन? पहचाना नहीं अनामी हमें? हमें लगा इतने चर्चे हैं हमारे, हमारी आवाज सुन के पहचान लोगी। भाई कहाँ है हमारा? जिंदा है। खेल रहा है बेचारा, बचपन के मजे लूट रहा है, पर अकेला है। हम सोच रहे हैं कि हम जाके खेलें उसके साथ। लेकिन तुम्हें पता तो होगा ना कि खेल खेल में बच्चों को लग जाती है। लेकिन अब हमें खेल में शामिल होना है तो हम क्या करें? अगर किसी के घावों की परवाह करेंगे तो खेलेंगे कैसे? चलो खेल शुरू करते हैं। तुमने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसे किया, तो फिर क्यों नहीं ला रहे हो हमारे लड्डू को वापस? अरे हमने तो भाई बहन का मिलन कब का करवा दिया होता, लेकिन ये खाकी वर्दी वाले बीच में आ गए। पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी होती है न दुश्मनी। तुम्हें दोस्ती पड़ गई ना भारी। ये गलती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हें एक मौका और देता हूं मैं, लेकिन अगर इस बार तुमने मुझे निराश किया तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा लड्डू सिर्फ तुम्हारी यादों में रह जाएगा। अगर हमारे लड्डू को हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये लाल महल वालों की धमकियों से कोई मोम भी ना पिघले, हम तो फिर भी पत्थर हैं। तो अपनी ये खोखली धमकियां अपने पास रखो और जो हम कह रहे हैं वो सुनो। तुम जैसा बोलोगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। किसी को साथ नहीं लेकर आएंगे। बोलो जल्दी, बोलो क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र करो। नया पता देंगे तुम्हें फोन करके, हमारे फोन का इंतजार करना। हेलो, सत्रुपा जी, अब आपके ही मारे हुए तीर से शिकार करेंगे हम आपका। बड़ा गुरूर है ना आपको अपनी ताकत पर, अब आपकी ये कमजोरी हमारी ताकत बनेगी।